goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. So what if I say that Bihar and Patna both are connected with Oscars? I think you might be shocked after hearing this, but it's reality. Bihar और ऑस्कर क्या कनेक्शन हो सकता है? किसी को कोई आइडिया नहीं, मुझे भी नहीं, और यहाँ खड़े किसी भी लोग को नहीं। नहीं, एक्चुअली यहाँ सारे लोगों को पता है, बट आपको शायद नहीं पता होगा। सो लेट मी टेल यू, बिहार और ऑस्कर का बहुत 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 बड़ा कनेक्शन है, और वो कैसे आने वाले कुछ मिनट्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा। I refuse to pay 100 rupees. 5 outstanding performances, and the winner is Ben Kingsley and Gandhi. 1982 में बनी मूवी गांधी, जो कि रिचर्ड एटनबर्ग ने बनाई थी, कई सारे ऑस्कर अवार्ड अपने नाम ले गया था। मूवी में एक सीन है जहां पे महात्मा गांधी को कोर्ट रूम में पेश किया जाता है, और जज उनसे कहते हैं कि आप अगर 100 रुपए एज अ पेनाल्टी देते हैं तो हम आपको बेल दे देंगे, और महात्मा गांधी ना बोल देते हैं। मूवी में 2 बिल्डिंग्स यूज किए गए हैं, एक ब्रिटिश एरा में बना हुआ आज का डीएम ऑफिस, जिसे एज अ कोर्ट शो किया गया था, और एक डच एरा में बना हुआ रिकॉर्ड रूम, जिसे एज अ मोतिहारी जेल शो किया गया था। बट सच बात यह है कि ये बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसे तोड़ के यहाँ वो कुछ नया बनाएगी। Meet Kunal Dutt, the man who went against it and trying from very beginning to save this place from getting demolished. He is an architecture lover and knows how much value this place keeps for us. ये बहुत दिल दुखाने वाली बात है कि पटना शहर ने अपने इतिहास को अबैंडन कर दिया है। आप पटना शहर में घूम कर देख लीजिए, चाहे हमने गोल मार्केट को छोड़ दिया हो, चाहे उसके पहले अंजुमन इस्लामिया तोड़ दिया गया, हमने कुछ नहीं बोला, और आज ये पटना कलेक्टेड। लेकिन आज इंटैक्ट जैसी संस्था है जिन्होंने इसको पूरा सपोर्ट किया है, और हाईकोर्ट में PIL भी दर्ज किया उन्होंने कि इस बिल्डिंग को बचाई जानी चाहिए। और मैं पटना वासियों से पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि ऐसी बिल्डिंग बचाई जानी चाहिए? डच पीरियड की बिल्डिंग्स पूरे इंडिया में बहुत कम बची हुई हैं, और हमारे पटना के पास ऐसी बिल्डिंग है। कि हिस्ट्री की बात करते हैं, अक्सर हम बोलते हैं पटना बहुत पुराना शहर है, हम बिहारियों की आदत सी है कि हम हिस्ट्री ग्लोरीफाई करते हैं, इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग डच बिल्डिंग इन इंडिया, राइट? और इसका ऐसा कनेक्शन है कि जो मैं ऑस्कर की बात कर रहा था, मूवी गांधी जी, अब मैं नहीं बोलूंगा, वो भैया बताएंगे कि क्या कनेक्शन है। देखिए, ये जब मैं पहली बार इस फिल्म के कनेक्शन के बारे में जाना था, मेरा होश उड़ गया था, और मुझे इनफैक्ट विश्वास भी नहीं हुआ था। तो मैं वापस जब दिल्ली गया, और दिल्ली जाकर मैंने 2 अक्टूबर को हर साल मैं वो फिल्म देखता हूँ जो ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी है, बेन किंग्सली की, और जब मैंने वो सीन देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, अरे ये पटना कलेक्ट्रेट है, ये मोतिहारी जेल दिखाया जा रहा है इसको। फिर जो DM हाउस है उसको SDO कोर्ट सीन दिखाया गया, और जो चंपारण का जो ट्रायल है, जो फेमस ट्रायल ऑफ चंपारण कहलाता है गांधी का, जिससे वो मोहन से महात्मा बनते हैं, वो उसकी पूरी फिल्म जो क्रिएट की गई थी रिचर्ड एटनबरो साहब ने, उनकी पूरी क्रू ने यहाँ क्रिएट की थी। तो एक तो इसकी ऐतिहासिकता तो है कि डच बिल्डिंग इसलिए बचाया जाना चाहिए, दूसरी की इसकी जो आर्किटेक्चरल ग्लोरी है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो मैंने अंदर जा कर के भी देखा है, जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मैं अपने वो खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं शायद वो देख पाया हूँ। कहना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को शायद हम कितनी बार आते होंगे एफिडेविट बनवाने के लिए, या इसी कलेक्टेड घाट पर बचपन में आपने छठ बिताया होगा अपना यहाँ पे, लेकिन कभी भी हमने उसे इस नज़रिए से नहीं देखा, क्योंकि उसे उस तरीके से रखा नहीं गया। अगर आप श्रीरामपुर जाते हैं बंगाल के, वहाँ पर डेनिश टैवर्न है, जो कि मतलब इट वॉज रिड्यूस टू लेस देन आशीष, इट वॉज रिड्यूस टू अ लेस देन स्केलेटन स्टेट, और उसको एक पेंटिंग के रेफरेंस से, कोपनहागन की म्यूजियम से एक पुरानी पेंटिंग के रेफरेंस से, उसी पुराने तरीके से ईंटें बनाई गई, उसी पुराने लकड़ियों को और पत्थरों को, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये पुराने पत्थर अब ऐसे आपको मिलेंगे नहीं आपको ज़मीन पर, जो आपको गर्मी में ठंड रखते हैं आपको। तो अगर हम एक स्केलेटल कंकाल हुई बिल्डिंग को भी जिंदा करके एक ऐसी शाइनिंग एग्जाम्पल बना सकते हैं, जिसको यूनेस्को ने भी अप्रिशिएट किया, 5 देशों के एम्बेसडर आए थे उसके इनॉग्रेशन में, और यहाँ पे डच एम्बेसडर साहब ने भी चिट्ठी लिख रखी है 2016 से, गांधी फाउंडेशन ने चिट्ठी लिखी है, और हमने भी 2016 से जो है कैंपेन सेव हिस्टोरिक पटना कलेक्टेड चला रहे हैं, और नील मेरे साथ खड़ा है। नील, ये हमारा सपोर्ट बेस उस जमाने से है जब ये स्कूल में पढ़ता था। ये आई रिमेम्बर इट वॉज 2016 और मैं क्लास 12th का स्टूडेंट था, और एक ऐसा समय आया कि यहाँ बुलडोज़र आके खड़े हो चुके थे इसे तोड़ने के लिए,
और हम यहाँ आए और उसके बाद उस कैंपेन को फिर से एक पेस दिया। हमने गांधी मैदान में जमावड़ा के थ्रू एक बहुत बड़ा कैंपेन किया था जिसमें काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे। हमारे साथ सानू भैया हैं। भैया बाई प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं और यूएस इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है एंड ही इज़ लिविंग इन पटना एंड ही इज़ एडवोकेट इन पटना हाई कोर्ट। तो इनसे जानते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पटना कलेक्टेरिएट। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार के पास आज के समय में बहुत कुछ है नहीं। वी आर वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री। अगर बिहार में किसी का इंटरेस्ट है भी, देश विदेश से लोग आना भी चाहते हैं बिहार देखने के लिए, तो हेरिटेज की वजह से। हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है, हम सबको मालूम है। और मैं बॉस्टन और न्यूयॉर्क में भी रहा, वहाँ पे जो शहर लगातार तरक्की कर रहा है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो हिस्ट्री है, अपना जो हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व किया है। और शहर में आज भी लोग बॉस्टन या न्यूयॉर्क जाते हैं तो पुरानी आइकॉनिक बिल्डिंग्स को देखने जाते हैं। अब दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में हम जाते हैं तो लाल किला, कुतुब मीनार देखने जाते हैं, हम दिल्ली के मॉल्स को देखने नहीं जाते। उसी प्रकार पटना में हम लोग मॉल्स देखने के लिए नहीं आते, या बिहार से बाहर के लोग बिहार मॉल्स देखने के लिए नहीं आते, वो बिहार की हिस्ट्री को देखने के लिए आते हैं। और आज देखिए आपके सामने हिस्ट्री की कितनी हम वैल्यू करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आपके सामने इसकी। जैसे आशीष ने बताया, ये जो लकड़ियाँ हैं ये बहुत मजबूत हैं, लेदर, ओरिजिनल लेदर। अभी हम उसी पे बैठे हैं और चारों तरफ ये कैंपस है, जो ये बिल्डिंग्स से सारे डच और ब्रिटिश एरा के बिल्डिंग्स हैं। अब मैं ये दिखाना चाहूँगा कि हमने हेरिटेज को कैसे बर्बाद किया है पटना में। देखिए हमने 1990 में डाक बंगलो जो था हमारा, उसको हमने तोड़ा, फिर हमने नवाब की कोठी को तोड़ा, फिर हमने बांकीपुर सेंट्रल जेल को 2010 में तोड़ा, सीनियर एसपी बंगलो को हमने 2014 में तोड़ा, हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का बंगलो 2014 में तोड़ा, हमने बेली रोड के बंगलो, 6-7 बंगलोज थे, सबको 2013 में डिमोलिश कर दिया, हमने सिविल सर्जन बंगलो को 2014 में तोड़ा, हमने पटना सिटी पॉली हॉल को तोड़ा। हमने उसके बाद, ये अपडेट हमने नहीं किया है, लेकिन इसके बाद हमने कई मार्केट्स, आइकॉनिक मार्केट जो बिहार का पहला म्यूनिसिपल मार्केट था उसको तोड़ा। हमने पटना कलेक्टरेट तोड़ने के कगार पे हैं हम, सरकार ने ऑलरेडी डिमोलिशन ऑर्डर दे दिया है लेकिन हम उसके खिलाफ अदालतों में लड़ रहे हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है बिहार के लोगों से, जो बिहार से प्यार करते हैं, बिहार के बाहर भी रहते हैं बिहार से प्यार करते हैं, वो अपनी हिस्ट्री को, अपने हेरिटेज को वैल्यू करें, सीखें, उसकी कदर करें और उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ें। क्योंकि यूएस में या जितने भी फॉर दैट मैटर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी हेरिटेज को बचाने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं और सरकार को मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। इन चीज़ों को, इन बिल्डिंग्स को हम अगर सही तरीके से डेकोरेट कर दें, मेंटेन करें, प्रिजर्व करें, तो ये अट्रैक्शन का बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा। इस पे रेवेन्यू भी गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है। ये सिर्फ हेरिटेज किताबों के लिए नहीं है, ये अगर हम कमर्शियली भी सोचें तो हेरिटेज सरकार को या यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर सकता है। एक सिंपल सी बात है, मेरे पोस्ट से, मेरे वीडियो से आप अक्सर देखते रहते हैं कि हेरिटेज की क्या कदर है। फॉर एग्जाम्पल रोहतासगढ़ फोर्ट हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बिहार में, उनका क्या हालत है। कुछ नया नहीं है, यह भी एक कॉमन सा चीज़ है जो बिहार में होते आ रहा है, लेकिन कब तक यही कहते रहेंगे कि होते आ रहा है। इट्स टाइम, हाई टाइम, जो कह लो आप। कोशिश है हमारी भी, कोशिश है भैया की और कोशिश है कुणाल दत्त भैया की भी, जो अपना जॉब छोड़ के सब कुछ करके बार बार आते हैं, कोशिश करते हैं। फाइनल हियरिंग 17th को है एंड 18th को है एंड वी आर विशिंग कि कुछ पॉजिटिव है। तब तक आई विश कि यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे।